हेलो नमस्कार भाई लोग, तो मेरा नाम है स्वरूप कल्याण। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज की वाली वीडियो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइज हमारा आज का कॉन्करर पुशिंग का तीसरा दिन है, और गाइज साथ ही साथ तीसरे दिन में हमने हमारा पहला चिकन जो कॉन्करर पुशिंग का FPP सोलो कॉन्करर पुशिंग का पहला चिकन डिनर हमने आज निकाला है। और लॉबीज ही इतनी टफ आ रही है गाइज कि आप लोग बोल ही नहीं सकते कि भाई तू नूब है, ये है, क्योंकि लॉबीज ही इतनी टफ आ रही है। यहाँ पे टीम अप गाइज, टीम अप इस तरीके का हो रहा है। आई डोंट नो कि मैंने अभी तक हैकर देखा होगा, बट हैकर तो मैंने नहीं देखा, ठीक है, बट टीम अप गाइज, टीम अप जो है तो मार गिरा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाती है, मैं उतर जाता हूँ गाइज मिलिट्री बेस की, मिलिट्री बेस सॉरी नोवो रेपनोई पे मैं उतर जाता हूँ गाइज, नोवो रेपनोई पे मस्त लूट के। मैं नोवो रेपनोई से अभी जोन जो है तो आ रहा है, और मुझे जाना है गाइज यहाँ पे, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ एंड वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो गाइज वहाँ पे तो हम लोग जाएंगे, ठीक है। अभी आपने जो लास्ट मेरा मार्कर देखा, जो नीचे की साइड मिलिट्री बेस के नीचे की साइड आप लोगों को मेरा लास्ट मार्कर दिखाऊंगा, तो वहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। एंड वहाँ पे हम लोग जाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखो, ये देखो मैप की तरफ ध्यान देना गाइज, हमेशा गाइज मैंने जोन टू जोन में किस तरीके से मूव हुआ ये मैंने दिखाया। तो यहाँ पे गाड़ी आ जाती है पर वो पीछे से चली जाती है, ठीक है गाइज। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी फिर से जोन बन चुका है, और ये देखो अभी एक और जोन यहाँ पे बन चुका है, और यहाँ पे जोन बन चुका है, ठीक है। अब गाइज हमें करना क्या है, जोन टू जोन में हमेशा जोन टू जोन खेल रहा हूँ, अभी जोन के मिडल में नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गाइज टीम अप वाले बंदे हैं, और हैकर तो मुझे पता नहीं, पर मुझे टीम अप मिलते हैं, इसलिए गाइज मैं जोन के मिडल में जाना मैं नहीं प्रिपेयर करूँगा, मैं साइड टू साइड ही खेलूंगा, एजेस ऑफ द जोन ही खेलूंगा। तो यहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइज वहाँ पे पहुँच जाने के बाद गाइज, ठीक है, कुछ ज़्यादा खास वहाँ पे कोई बंदा आता नहीं है, पर हाँ एक है कि मैं सेफ रहता हूँ वहाँ पे, ठीक है। और गाइज पहली बात यह है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले है, और टोटली एक्सप्लेन किया हो कैसा खेलना है, क्या खेलना है। तो जोन एक बार फिर से बन जाता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जोन फिर से बन जाने के बाद एक कमेंट भी आप लोग कर ही दो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ये हो चुका है, जोन हमारा बन चुका है। और यहाँ पे देखना, थोड़ा सा अगर आप इरेंगल मैप को अच्छे से जानते होगा, तो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे एक थोड़ा सा जो रिज है, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा कवर मिलेगा, ठीक है। और हमेशा से गाइज एक मैंने चीज़ देखी है, अगर इरेंगल में तो मैंने ये चीज़ ज़्यादातर देखी है कि अगर पानी के इसमें अगर आधा जोन आता है, ठीक है, आधा जोन अगर रिवर में आता है, तो गाइज जोन के अपोजिट साइड ही जोन बनता है, ठीक है, समझ रहे हो बात। मतलब जो रिवर की साइड अगर वो सामने वाली है तो उसके अपोजिट साइड ही जोन बनेगा, ठीक है। तो मैं ये चीज़ हमेशा से मैंने एक देखी है, ठीक है। तो इसी के चलते मैंने यहाँ पे मार्कर लगाया, और मार्कर लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद गाइस आते ही यहाँ पे मुझे राइट साइड से देखना आप लोग, हाँ ये देखो यहाँ से मुझे अभी गाड़ी के निशान आए, जो कि आप लोगों को भी आ रहे होंगे अभी, तो अभी तो चले गए, ठीक है, तो स्किप करके देख लेना, पर आपको भी गाड़ी के निशान आएंगे। तो मुझे लगा वो बंदा वहाँ पे रुका है, तो वो बंदा वहाँ पे रुक जाता है, तो मैं वहाँ पे दे देता हूँ गाइस एक रैंडम नेट, पर वो नेट वहाँ पे पहुँचता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देखना तुम लोग, अभी गाइस आएंगे यहाँ पे गन शॉट्स, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि गन शॉट आए, एंड मैं यहाँ पे पहले एक स्मोक डाल दूंगा गाइस, क्यों, स्मोक डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मोक के बगैर आप बच ही नहीं पाओगे, ठीक है। स्मोक बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम में। आप गाइज मेरे पास एमओ बहुत कम है, तुम लोग देखो, पर स्मोक्स, हीलिंग एंड ग्रेनेड्स ये मैं ज़्यादा रखता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मेरी ये कोशिश थी कि ये जगह मुझे नहीं छोड़नी, क्यों नहीं छोड़नी, क्योंकि वही मैंने कहा था जोन मेरे पे ही बनेगा, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पे। क्यों है? क्योंकि उधर साइड रिज के इसमें, मतलब रिवर के इसमें आधा जोन आ चुका है, तो आधा जोन इसके अपोजिट ही बनेगा, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो मुझे ये जगह तो छोड़नी किसी भी हालत में नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ, एंड इस रिज पे क्यों आ जाता हूँ मैं इस रिज पे, क्योंकि देखो बंदे अलाइव है 10, मेरे को पकड़ के 11, मेरे पीछे से अभी तक एक भी गनशॉट नहीं आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। बट पीछे से आ जाएगा अभी एक गनशॉट, जैसे कि देख लो जोन बन गया, उसके अपोजिट साइड मैंने कहा था, उसके अपोजिट साइड जोन बन चुका है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन आप में होना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से खेलो। आप लोग रहते तो आप लोग यहाँ से गाड़ी लेके भाग जाते, पर मैं नहीं भागा, ठीक है। ये देखो वहाँ पे नेट डाला गया, मेरे लिए नेट डाला गया, ठीक है, वो वहाँ पे, पर वो आया नहीं इधर तक, पीछे एक बंदा है, ठीक है, अभी देखना तुम लोग। तो ये रहा भैया बंदा,
तो देखो वो मेरे पे फायर कर रहा है, एंड जैसे तैसे मैं उसे स्पॉट कर लेता हूँ, बट गाइज उसको एक हेड लगता है एंड एक दो गोलियाँ और लग जाती तो वहीं पर डेड हो जाता, पर उसको भी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तुम लोग देखते रहो, स्टिल देखते रहो, वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक करो। तो अब देखना गाइज, यहाँ पे पीछे की तरफ से मुझे आते हैं गन शॉट। यहाँ पे देखो मैं एनर्जी ड्रिंक हीलिंग करते रहना है भाई, हीलिंग करते रहना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी फुल हेल्थ है इसका मतलब तुमको हीलिंग नहीं करनी है भाई, अपने को हीलिंग पूरी ख़त्म कर देनी है भाई। ठीक है, ये देखो हीलिंग मतलब हेल्थ किट नहीं, वो एनर्जी ड्रिंक वगैरह, बैंडेजेस वगैरह। ठीक है, हेल्थ किट ख़त्म कर देगा तो गेम ही बन जाएगा भाई पूरा वहीं पर। तो ये हो गया, तो ये देखो भाई, तो देखो मैं स्पॉट करो, अभी मैंने एक भी छोटी सी भी क्लिप, एक सेकंड की भी क्लिप यहाँ से मैंने काटा नहीं हूँ। बहुत ही इंटेंस गेम प्ले और किस तरीके से मैं खेला हूँ यहाँ पे ये दिखाया हूँ मैंने आप लोगों को, पूरा देखो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पीछे से गन शॉट्स आए मेरे पे, मैंने डाल दिया वहाँ पे स्मोक, कवर बन गया। अब कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी और कवर की, क्योंकि स्मोक्स ये बहुत बढ़िया कवर बन जाता है। अगर आप लोगों को स्मोक का इस्तेमाल करना आता है तो बहुत बढ़िया कवर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, एंड ये देखो FPP गेम है गाइस, सोलो FPP है। यहाँ पे आप लोगों को जितना कम एक्सपोज हो सकते हो उतना कम एक्सपोज होना है। मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद FPP खेल रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ। मैं अक्सर उसी कारण मरा हूँ कि जब मैं ज़्यादा एक्सपोज हुआ हूँ। ठीक है, जब मैं ज़्यादा एक्सपोज होता हूँ तो मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं मरने के। यहाँ पे जोन आ रहा है, पीछे वो बंदा था, अब उसको जोन में आना है। ठीक है, मेरा स्मोक अभी तक काम कर रहा है, अभी तक मैं यहाँ पे सेफ हूँ। एंड जैसे कि अभी आप लोग देखना जोन आ रहा है भाई, पीछे एक बंदा है, अभी जो है सो स्मोक हट चुका है। पर यहाँ पे ये देखना तुम लोग, पर यहाँ पे मेरा अभी पूरे कॉन्सेंट्रेट है कि पीछे वाला बंदा उसको आना ही है भाई आगे, क्योंकि जोन आ चुका है। हील बैटल तो अभी से वो कर नहीं सकता, उसको मरना ही है। तो यहाँ पे देखो अब वो आएगा आगे, ये देखना तुम लोग अभी। तो लेफ्ट साइड की तरफ से आप लोगों को वो बंदा स्पॉट हुआ होगा, उसने मेरे पे गोलियां भी चलाई और ये देखो भाई ख़त्म। थोड़ा बहुत एम भी यहाँ पे मेरा मतलब सही से गया। ठीक है, एम कहीं पे और गलत जगह पे नहीं खुला तो ये पिट गया। एंड जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे गाइस मेरे पे फायरिंग होना शुरू हो जाती है, गन शॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। पर फिर भी यहाँ पे हम लोग एक स्मोक डाल देंगे एंड इसे लूट लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पे अभी एमो नहीं है गाइस। अभी अगर मेरे पे स्मोक नहीं होते तो मैं लूट नहीं सकता था। ठीक है, बंदा मार दिया, एमो तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, नहीं मिले तो दूसरी गन ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एमो कम रहे तो चलेगा गाइस, पर ग्रेनेड्स एंड हीलिंग आप पे ज़्यादा होनी ज़रूरी है। और हेलमेट वेस्ट अगर लेवल 3 का हो तो बहुत ओपी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, जैसे कि यहाँ पे अभी उसके पास 5 की गन नहीं थी तो मैंने DP चेंज कर ली, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब बचे भैया 2 बंदे, अब 4 बंदे बचे। ठीक है, तो एक मैं हो गया और बचे 3 बंदे। तो भैया अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि मैं अभी तो यहाँ पे मैं लूट ही रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से, मुझे नहीं लग रहा है मेरे पास सारे लूट है। अभी सारे लूट मेरे पास हो चुकी है एंड अभी देखना गाइस, यहाँ से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो M4 क्लोज रेंज के लिए रखा हूँ एंड स्प्रे DP के लिए रखा हूँ। यहाँ पे मैं बैरल ले सकता था पर मैंने DP ली। क्यों? क्योंकि मुझे स्प्रे देना है आगे वालों को, क्लोज फाइट नहीं लेनी है। क्योंकि गाइस क्लोज फाइट FPP में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादातर दूर की फाइट ही लेना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम नेड कुक करके फेंक देता हूँ, इस शायद काम बन जाए। पर यहाँ पे गाइस काम अपना नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा ख़त्म हो जाता है भैया। अब बचे 1v1v1, मतलब 3 अलग अलग बंदे बच चुके, उसमें से एक मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखने लायक बात ये है कि अभी तक जोन मेरे पे ही है, मुझे थोड़ा सा आगे मूव करने की ज़रूरत है। ये देखो आप, यहाँ पे देखो मैं राइट साइड की तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई राइट साइड से कोई ना कोई आएगा, क्योंकि उधर से गन शॉट्स आए थे मेरे को पहले। देखो ठीक है, पहले के गन शॉट्स और लेफ्ट साइड की गन शॉट दोनों मेरे को याद है। तो मेरे को अभी कंफर्म हो चुका है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड यहीं पे बंदे हैं वो दोनों। ठीक है, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे। तो लेफ्ट साइड वाला बंदा देखना अभी, राइट साइड वाला बंदा देखना, सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस अभी बचे हैं 0 सेकेंड जोन आने के लिए, कितने 1 मिनट बचा है। ठीक है, जोन आने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम नेड कुक कर देता हूँ। ठीक है, पर वो भी काम नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करता हूँ।
एंड यहाँ पे मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये बंदा कहाँ है भैया दिख जा, तो वो भी मेरे पे नेट करता है। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि उधर बंदा है, 100% कन्फर्म हो चुका है, श्योर है। तो यहाँ पे मैं अभी मेरे को आगे जाना है क्योंकि जोन मेरे पे नहीं है। तो यहाँ पे गाइज मैं 2 से 3 स्मोक कर दूंगा और ये एक बहुत ही गलत हो गया मेरे साथ। हील कर लो भाई, पूरी प्रॉपर हील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ गाइज ज़्यादा डैमेज वाली गन रखना है, पर ज़्यादा डैमेज वाली गन के साथ आपको प्री फायर नहीं करना है। ठीक है, ये एक चीज़ है कि आपको प्रॉपर गन के शॉट्स लगने चाहिए आगे वाले को। ठीक है, ऐसे ही वो गन चलानी है ज़्यादा पावर से एम के हो गए। ठीक है, अभी ये देख लिया बंदे पे एम के, बंदे का एक भी गोली नहीं लगती, जब तक वो डीपी चलाता मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। एनिमी के अपोजिट डायरेक्शन मैंने मूवमेंट की, यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, रिवाइंड करके देखो, आखिरी बंदा बचा है वो भैया, पहले M4 की उसने गोलियाँ चलाई, फिर वो रिलोडिंग करने लग गया, मेरे को फ़ायदा हो मिल गया उसका एंड मैंने उसे जाके पेल दिया। गाइस, तो इस तरीके से गाइस सोलो FPP डेथ थर्ड हमारा पहला चिकन होता है। और गाइस खुशी की बात यह है कि अभी मैं हो चुका गाइस प्लैटिनम 5 पे, 3 दिन में डायमंड पे भी आ जाऊंगा, उसके 3 दिन में क्राउन में, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर मैं क्राउन पे आ गया, अगले 4 से 5 दिन में एस पे, मतलब जो 2 हफ्ते का टाइम होता है जिसमें करना पड़ता है कॉन्करर, वो अपना कंप्लीट हो सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट जरूर कर देना गाइस। और अगर गाइस आप लोगों को मेरे साथ बात करनी है, मेरी इंस्टाग्राम लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस अगर आप लोगों को हमारे चैनल को डोनेट करना है एक अच्छा डिवाइस लेने के लिए, तो आप लोगों को फोन पे नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।